स्वामी, आई थिंक द वे इट्स ग्रोइंग, एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पे इंडियन फिल्म्स शोकेस होती हैं। यहाँ इंडिया में भी बहुत वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनता है, और उसके लिए एक शोकेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आई थिंक मामी इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी पूरे हमारे इंडस्ट्री को साथ में मिल के बैठ के फिल्में देखना, जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती है, जो अब्रॉड की फिल्म्स होती है, यहाँ की फिल्म्स होती है, और बहुत अच्छी बात है कि डिस्कशंस होती हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। और राजीव मस्तन और अनुपमा चोपड़ा जो लेके आए हैं, वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज का। आप किस तरह की पिक्चर देखना पसंद करते शेखर को? हॉरर पिक्चर्स बहुत, मुझे हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है, थ्रिलर्स, हॉरर, थ्रिलर्स, हॉरर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सब कुछ देख लेता हूँ, जब भी चांस मिलता है कोई पिक्चर देखने का, उसका मतलब ये है कि 3 घंटा काम मत करो तो बहुत मज़ा आता है। विच वन आर यू टॉकिंग टू अगेन? आई एम विशाल, इज शेखर जस्ट से। ये एक्चुअली क्या होता है, जब फिल्म रिलीज़ होती है ना, और उसका ऑडियो जब लॉन्च होता है, तब हमें मौका मिलता है वो गाने के बारे में बात करने का। लेकिन आज जो टॉप 5 गाने इन्होंने चूज़ किए हैं, उसके बारे में अब फिर से रिविज़िट कर रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो वी गोना यू नो लेट आवर स्टोरीज़, बेसिकली जो भी स्टोरीज़ हैं उनके पीछे वो बातचीत करेंगे, मज़ा आएगा। जो कहानियाँ आपको सुनने को नहीं मिलती है नॉर्मली, जस्ट शेयर द फन दैट वी हैव। जब गाने बनाते हैं हम बहुत मज़ा करते हैं, तो वो मज़ा सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। Yeah, we just take a quick photograph. Sure, yeah.